और खबर मेरठ से है, जहां आरएलडी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। आरएलडी के पूर्व विधायक सुदेश शर्मा बीजेपी में शामिल हुए हैं और पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व प्रत्याशी के शुक्ला समेत कई आरएलडी नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। तो ये खतौली उपचुनाव से पहले आरएलडी को एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जहां कई नेता आरएलडी का साथ छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। कई नाम है इसमें, पूर्व विधायक का नाम है, क्षेत्रीय अध्यक्ष का नाम है और कई उनके समर्थक भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। विपक्ष के लोग अपने चुनावों में पराजय देखकर लगभग या पराजय मान चुके हैं और अब उनके पास केवल संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, सरकारी अधिकारों के बारे में, इलेक्शन कमीशन के आरोप लगाने के बारे में और ईवीएम का रोना गाना करने के अलावा कुछ नहीं बचा। क्या विधायक को चोरी में, चकारी में, डकैती में, बेईमानी में, भ्रष्टाचार में, अराजकता में, हत्या में, अपहरण में उसकी सदस्यता नहीं गई है जी? जिस विषय के लिए सदस्यता गई है उसकी